13वीं लोकसभा का चुनाव सितंबर अक्टूबर 99 में होता है। इसमें क्या रहती है विभिन्न दलों की स्थिति? 13वीं लोकसभा का चुनाव, विभिन्न दलों की स्थिति क्या? सबसे पहला हम राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात करें, जिसे NDA कहते हैं। भारतीय जनता पार्टी, जिसे गत चुनाव में 177 सीट मिली थी, उसकी सीटों की संख्या में कुछ मामूली इजाफा होता है। यानी इस सब घटनाक्रम के बाद भी, गत दो वर्षों से उठी हुई ऊहापोह के बाद भी, गत दो वर्षों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तथा असफलताओं के बाद भी, स्थायी सरकार देने की असफलताओं के बाद भी, जनता भारतीय जनता पार्टी पर ही अपना विश्वास दिखाती है और 182 सीट के साथ, सर्वाधिक सीटों के साथ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन को सबसे ज़्यादा सीटें मिलती हैं। इसमें अन्य दलों की स्थिति भी सुधरती है। शिवसेना, द्रमुक, बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, जनता दल आदि आदि, इनको सीटें मिलती हैं। दूसरी ओर कांग्रेस अब सिमटती चली जा रही है। 140 सीटें जहां थी, घटकर वो 114 पे रुक जाती है। कांग्रेस पार्टी, जिसे पूर्व में 140 सीटें मिली थी, अब वह 114 पर सिमट जाती है। यानी धीरे धीरे हम देखते हैं कांग्रेस का सतत रूप से पतन, गिरावट की ओर अग्रसर। कांग्रेस की विश्वसनीयता पर जनता के मन में सवाल उठने लगते हैं और बहुत सी जगहों में उसे पराजय देखनी पड़ती है। वाम मोर्चे की यदि हम बात करें, जो एक तीसरा खेमा था, तो वाम मोर्चे में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को सबसे ज़्यादा 33 सीटें मिलती हैं और उसके बाद उसके अन्य सहयोगी वामपंथी दल उसके साथ रहते हैं। तो इस प्रकार ये तीन मुख्य खेमे। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के अलायंस का सवाल है, उसकी कुल संख्या कांग्रेस के गठबंधन को 136 सीट, वाम मोर्चा के गठबंधन को 59 सीट, 59। इसके साथ ही कुछ अन्य लोग भी थे, जिसमें समाजवादी पार्टी 26, बहुजन समाज पार्टी 14। ये उत्तर प्रदेश तक ही सीमित थे। इनका जो क्षेत्रीय दायरा था, वह क्षेत्रीय ही था और उत्तर प्रदेश बिहार में ही सीमित था, मूल रूप से उत्तर प्रदेश में। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 543 सीटों में जो चुनाव हुआ, उसमें भारतीय जनता दल के गठबंधन को 305 सीटें मिलती हैं। कुल कितनी सीटें? 305। कांग्रेस के गठबंधन की संख्या बड़ी कम रहती है, 136, 59 साम्यवादी विचारधारा वालों को, और अन्य सीटों पर जो मैंने बताया, समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रवादी, कांग्रेस पार्टी, निर्दलीय, ये कुल मिला के ब्रेकअप 543 का इस प्रकार है। परिणाम क्या होता है कि 13वीं लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चे को सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में उभरने के पश्चात अटल बिहारी वाजपेयी अब तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद संभालते हैं। पहली बार 13 दिन के लिए, दूसरी बार 13 माह के लिए, और 13वीं लोकसभा में वे पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। 13 अक्टूबर 1999 को उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है। एक अनुमान के अनुसार 24 राजनीतिक दल और राजनीतिक समूहों राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के रूप में काम किया। कितने दल?
24, पहले मैंने बताया था आपको 13 गठबंधन, वैचारिक गठबंधन 13 के साथ था, न्यूनतम साझा कार्यक्रम 13 के साथ था, लेकिन बाद में चूंकि इस गठबंधन को भी स्पष्ट बहुमत पाने के लिए कुछ अन्य दलों की ज़रूरत पड़ी, तो जो अन्य दल सामने आए उनकी संख्या मोटी मोटी 8 या 9 थी, और इस प्रकार यह गठबंधन जो है वह लगभग 24 दलों का हो गया। जनतांत्रिक गठबंधन के अंग के रूप में 24 दलों का यह कुनबा था, जिसका नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के रूप में कर रहे थे। लेकिन ये शासन चलता है, लेकिन 2004 और 2009 के चुनाव में इसे पराजय मिलती है। 2004 और 2009 के चुनाव में इसे पराजय मिलती है। ये 13वीं लोकसभा की बात है। 13वीं लोकसभा को यदि हम देखें तो इसमें राष्ट्रीय गणतांत्रिक मोर्चा अपनी सरकार बनाता है, 5 वर्ष पूरे करता है, लेकिन इसके बाद की स्थितियां फिर कुछ बदल जाती हैं। अब हम इसको जानने के लिए हम आते हैं 14वीं लोकसभा चुनाव, 14th लोकसभा इलेक्शन, जो मई 2004 में होते हैं। 14वीं लोकसभा चुनाव मई 2004 अर्थात ये मध्यावधि चुनाव नहीं थे। 1999 में चुनी गई लोकसभा अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करती है। इस काल में अटल बिहारी वाजपेयी की राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा सत्ता में रहती है और अपने 5 वर्ष के कार्यकाल को सफलतापूर्वक उसने पूरा किया। इस अध्याय को पढ़ते हुए यदि हम भारतीय राजनीति के कुछ रोचक प्रसंग और परिणामों की चर्चा ना करें तो फिर यह अध्ययन अधूरा ही लगेगा। और भारत के संदर्भ में ऐसे कई उदाहरण हैं, विश्व के संदर्भ में भी हैं, जो अध्याय को और रोचक बना सकते हैं, तो थोड़ा जिक्र उनका किया जाए। ये दरअसल बड़ा विचारणीय प्रश्न है कि जिस पार्टी ने भारत के संदर्भ में स्वतंत्रता संघर्ष में सर्वाधिक परिश्रम किया और फिर राज किया वर्षों तक, आज वह एक तरीके से शून्य की कगार पर है, या कम से कम उसकी स्थिति शोचनीय हो चली है। इस परिवर्तन को सोचना है। पूरे विश्व में कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिलता, चाहे वो ग्रेट ब्रिटेन के लिबरल्स हों, या लेबर पार्टी हो, या कंजर्वेटिव्स हों, या अमेरिका में डेमोक्रेट्स रिपब्लिकन्स हों, कि सत्ता संघर्ष की दौड़ तो बनी रहती है, लेकिन उस दौड़ में अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह कभी नहीं उठा। लेकिन दुर्भाग्य से भारत में स्थिति कुछ दूसरी है। केवल यहां भाषा क्षेत्रीय दलों ने, भाषाई आधार पर क्षेत्रीय दलों ने कांग्रेस का जो कब्जा था उसे एक तरीके से अपने हाथों में ले लिया। ऐसे कौन लोग थे जिन्होंने टक्कर ली और कैसे ली, इसका अध्ययन बड़ा रोचक होगा। भारत के मानचित्र को देखते जाइए। सबसे पहले दक्षिण को देखिए, और दक्षिण में यदि आप नजर डालेंगे तो पाएंगे कि कांग्रेस की सरकार बने वहां दशकों बीत गए। अब तो एक तरीके से उल्टी व्यवस्था चली है। दूसरे राज्यों में स्वतंत्रता के बाद धीरे धीरे कांग्रेस कमजोर हुई, गैर कांग्रेसवाद बढ़ा, लेकिन यहां धीरे धीरे मजबूत हुई। ये केरल की बात है। केरल की स्थिति वहां उल्टी ही बयार चल रही थी। के करुणाकरन वो नेता थे वहां के जिन्होंने 1982-87 तक स्थायी सरकार बनाई, कांग्रेस के नेता थे, और इसके बाद
उन्हीं के दलों में टक्कर होती रही, कांग्रेस वर्सेस वाम दल। दो दल जो थे, एक तरफ कांग्रेस करुणाकरण की और दूसरी तरफ वामपंथी दल, इनके बीच में सतत टकराव, सतत चुनावी झगड़े। 1911-16 तक कांग्रेस के वोमन चैंडी सीएम रहे, तो अभी मार्क्सवादी श्री विजयन है। ये रोचक है कि केरल का जब 1956 में गठन हुआ था, तो उस समय गठन के समय राष्ट्रपति शासन था। दूसरे शब्दों में राष्ट्रपति शासन के दरमियान एक राज्य का गठन होता है, और शायद इस स्थिति में जन्म लिए हुए राज्य का जो इतिहास है वह इसीलिए थोड़ा सा अलग है। तमिलनाडु की बात करें तो डीएमके और अन्ना डीएमके, ये दो नाम आपने सुने ही होंगे, अन्ना डीएमके। और तमिलनाडु में अनेक वर्षों से, अनेक दशकों से इन्हीं दो क्षेत्रीय राज्यों की तूती बोल रही है, और इसीलिए वहां के क्षेत्रीय सत्रप उनको पूरा देश जानता है। अन्ना दुराई ये डीएमके के फाउंडर थे। पहली बार 1967 में कांग्रेस को टक्कर दी, और 67 के बाद कभी कांग्रेस की सरकार वहां बन ही नहीं पाई। उसके बाद कांग्रेस तो हट ही गई, लेकिन हां, डीएमके बनाम अन्ना डीएमके का खेल शुरू हुआ। करुणानिधि जो डीएमके के थे, आपको मालूम होना चाहिए कि उन्होंने वहां पर 18 वर्ष मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया, एक बहुत लंबा काल निकाला। वहीं अन्ना डीएमके की जो नेता थी, जिनका नाम जयललिता था, जो पूर्व में फिल्म की एक अदाकारा थी, उन्होंने डीएमके को लगातार टक्कर दी, और जहां 18 वर्ष करुणानिधि ने शासन किया, वहीं 14 वर्ष तक जयललिता, सुश्री जयललिता का शासन रहा। तमिलनाडु में फिल्मों के का क्रेज बहुत है, और एमजी रामचंद्रन के आने के बाद जो एआईडीएमके के संस्थापक थे और बाद में जयललिता जिनसे जुड़ी, तो राजनीति में देखा गया कि फिल्म का सतत दबदबा रहा। परंतु रजनीकांत की यदि बात करें तो कुछ बात ही अलग है। रजनीकांत जो आज तमिलनाडु के बहुत ही प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता है, बल्कि आज तक के सबसे प्रसिद्ध तमिल अभिनेता, दुर्भाग्य से उनकी दाल अभी तक नहीं निकल पा रही है, और राजनीति से में बारंबार आने के उनके अनेक प्रयास असफल रहे। तो ये भी एक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एनिग्मा, इट इज एन एनिग्मा रैप्ड इन मिस्ट्री, एक ऐसा अजूबा जिसका कोई उत्तर नहीं। केरल और तमिलनाडु दोनों ही जगह हिंदी और दिल्ली, इसका विरोध देखा गया सतत रूप से। दूसरे शब्दों में क्षेत्रीय नेतृत्व को बल मिला, और इसीलिए कांग्रेस वहां कमजोर होती गई। ये तो हुई दक्षिण भारत की कहानी। थोड़ा हम उड़ीसा की ओर देखें, वहां क्या स्थिति रही। उड़ीसा में वर्तमान में वहां के मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक हैं, गत 22 वर्षों से वहां के मुख्यमंत्री हैं, और पूरा एक छत्र साम्राज्य है, मतलब स्थायित्व के लिए उनकी सरकार 5 साल की 3-4 बार बन चुकी है, और एक ही नेता 22 वर्षों से विजयी होता चला आ रहा है। और समझने की बात यह आश्चर्य की कि श्री नवीन पटनायक का अधिकतर जीवन विदेश में बीता, और उसके बावजूद अपने पिता श्री बीजू पटनायक की मृत्यु के मृत्योपरांत वे उड़ीसा आते हैं, और चुनावी राजनीति में भाग लेते हुए अपने को एक सक्षम सीएम बनाते हुए अब तक 22 वर्ष अबाध गति से पूर्ण कर चुके हैं।
इनके पिता जो बीजू पटनायक थे वे कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे और 1980 के दशक में जनता पार्टी की आंधी में उन्होंने अपना नाम, अपने दल का नाम एक बनाया, जनता दल, बीजू जनता दल। ये 1980 के दशक की बात है। कांग्रेस से रहते हुए उससे हट गए और उसका लाभ उन्हें मिला और उनके जाने के बाद बीजू जनता दल का वर्चस्व अभी तक बना हुआ है। बीजू पटनायक वही व्यक्ति हैं जो पायलट थे और पायलट के नाते उनके इस कौशल की दाद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी दी थी जब उन्होंने बांडुंग कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका हवाई जहाज बंगाल की खाड़ी में किसी घटनाक्रम में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और वे सकुशल बच गए थे। झारखंड में बीजेपी और या झारखंड मुक्ति मोर्चा, यहां भी वही बात रही कि जिम्मेदार पार्टियों या नेता ने ही स्थायी सरकार दी है, जैसे रघुवर दास ने पहली बार 5 साल सरकार चलाई और अब हेमंत सोरेन है। ये रही झारखंड की बात। अब कुछ हम कद्दावर नेताओं के बारे में बात करेंगे, ऐसे नेता जिनका लंबा कार्यकाल कांग्रेस के साथ रहा या नहीं रहा और उसके दूसरे दलों के सीएम राज कर सके। भारत में छत्तीसगढ़ में देखें तो रमन सिंह का कार्यकाल 17 वर्ष का रहा। 17 वर्ष का कार्यकाल छत्तीसगढ़ में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के नाते पूरा किया, ये स्वयं में एक रिकॉर्ड है। वहीं नीतीश कुमार बिहार में सन 2000 से मुख्यमंत्री और वर्तमान तक, बीच का 1-2 वर्ष छोड़ दें तो नीतीश कुमार सतत रूप से गए 23 वर्षों से वहां के मुख्यमंत्री हैं। और आश्चर्य की बात यह कि जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, पेशे से इंजीनियर हैं और कभी ये बीजेपी के साथ तो कभी बीजेपी के विरोधी के साथ, और ऐसा करते हुए उन्होंने सतत रूप से मुख्यमंत्रित्व काल को निभाया है। उनके घोर विरोधी रहे हैं बीजेपी के लालू प्रसाद यादव। ये सोचने की बात है कि नीतीश कुमार जी कभी बीजेपी के खेमे में रहकर मुख्यमंत्री के दावेदारी किए और सफल रहे, और जब वहां पटरी नहीं बैठी तो वो श्री लालू यादव के दल के साथ अलायंस करते हैं और वहां भी मुख्यमंत्री बनते हैं। इस प्रकार दो घोर विरोधियों के बीच में पटरी बैठाते हुए अपना कार्यकाल वो चला रहे हैं। ऐसा उदाहरण भारत में और कहीं नहीं दिखेगा। आंध्र प्रदेश, पहले ऐसे युवा नेता यहां के मुख्यमंत्री जिनका नाम है जगन मोहन रेड्डी, जिन्होंने कांग्रेस से अलग होकर पार्टी बनाई और आंध्र प्रदेश में जीत दर्ज कर स्वयं मुख्यमंत्री बने। आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य जहां अधिकतर समय कांग्रेस का शासन रहा और उनके पिताजी भी वहां के मुख्यमंत्री रहे, कांग्रेस बैनर चले। पार्टी नेतृत्व कांग्रेस का जगन मोहन रेड्डी की पिता की मृत्यु के बाद जगन मोहन रेड्डी का विरोध कर रहा था। इस विरोध का परिणाम यह हुआ कि जगन मोहन रेड्डी ने दल बनाया अलग से और फिर दशकों से चले आ रही कांग्रेसी परंपरा को वहां से तोड़ा और अपने दल का बहुमत साबित किया। तो ये भी एक बड़ी रोचक घटना है, इसका विस्तृत इतिहास आप पढ़ेंगे तो बहुत रोचक लगेगा। राजेश पायलट का यदि आपने नाम सुना होगा जो राजस्थान से थे, तो राजेश पायलट के पुत्र सचिन पायलट वो काम नहीं कर पाए जो राजस्थान में वो नहीं कर पाए जो कि यहां जगन मोहन रेड्डी ने किया है।
पश्चिमी बंगाल से ज्योति बासु और ममता बैनर्जी, ये दो नाम बहुत चर्चित रहे और इन्होंने देश की राजनीति में अपनी बहुत अहम भूमिका निभाई। ज्योति बासु की बात करें तो ये 1977 से मुख्यमंत्री रहे और 25 वर्ष बल्कि 24 वर्ष का कार्यकाल उनके मुख्यमंत्रित्व में सीपीआई का रहा। सीपीआई के बड़े कद्दावर नेता, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। उसके बाद फिर ममता बनर्जी का काल आता है, जो वैसे तो कांग्रेस की नेता थी और कांग्रेस के बल पर उन्होंने अपनी छवि बनाई थी, लेकिन समय के बाद कालांतर में इस बदलती स्थिति में उन्होंने एक अपनी क्षेत्रीय पार्टी बनाई और बंगाल की सत्ता हासिल की। उनके दल का नाम है तृणमूल कांग्रेस, TMC। किन राज्यों में अभी भी राजनीति चल रही है या कांग्रेस के लिए उम्मीदें बरकरार हैं, यदि हम उनका जिक्र करें, गैर कांग्रेसवाद के इतने हावी होने के बाद भी, तो उसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और कुछ हद तक महाराष्ट्र, ये मात्र संभावनाएं हैं। यहां क्योंकि बहुदलीय क्षेत्रीयवाद कम है, यहां पे भाषा आधारित राजनीति का आधार भी कम है। कुल मिला के निष्कर्ष ये कि जिन राज्यों में भाषागत मुद्दा रहा, वहां क्षेत्रीय नेताओं ने जनता की भावनात्मक विचारों को उठाकर लाभ उठाया है। मैं पुनः दोहरा दूं, जिन राज्यों में भाषागत मुद्दा रहा, वहां क्षेत्रीय नेताओं ने जनता की भावनाओं को उछाला है, उसका फायदा लिया और सत्ता हथिया। लेकिन जहां भाषा उतना महत्वपूर्ण मुद्दा नहीं रहा, वहां उसका कट्टर विरोध हुआ, तो दलीय या केंद्रीय राजनीति का, जैसे तमिलनाडु का उदाहरण। तो इस प्रकार राज्यवार हम क्रमशः ये देख चुके हैं कि देश के नक्शे में कैसे जो कांग्रेसवाद था वह कैसे गैर कांग्रेसवादी परंपरा में बदल गया। थैंक यू। चौदहवीं लोकसभा का चुनाव जो है, इसने राजनीति को एक नया रंग दिया, कई गुल खिलाए, कई नई नई बातें सामने आई। सबसे बड़ी बात या सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि तत्कालीन सरकार का जो बहुत प्रसिद्ध नारा था, भारत उदय, फील गुड, इंडिया राइजिंग, इन नारों से पूरा देश को पाट दिया गया था। चहुं ओर यही नारे दिखाई दे रहे थे, भारत उदय, गुड फील, फील गुड, इंडिया राइजिंग आदि आदि। और उम्मीद थी कि इन नारों का सकारात्मक प्रभाव जनता पर पड़ेगा, अर्थात जनता अंदर से भावनात्मक रूप से महसूस करेगी कि हाँ, भारत आगे बढ़ रहा है, अग्रसर है। और ऐसा सोचते हुए वह तत्कालीन सरकार को अपना समर्थन जारी रखेगी। लेकिन दुर्भाग्य कि इन सब नारों के बावजूद भी जनता ने इन्हें नकार दिया। जनता ने नारों को नकारा और जनता ने नारों को लेकर चलने वाली सरकार को भी नकार दिया। और उसके बदले अब वह कांग्रेस और उसके सहयोगियों को समर्थन देती है, अर्थात लोकसभा में कांग्रेस और उसके समर्थक दलों को ज़्यादा सीटें मिलती हैं। दलीय स्थिति क्या रहती है? यदि हम दलीय स्थिति की बात करें तो कांग्रेस गठबंधन को 220,
इस 220 सीटों में 145 सीट कांग्रेस को, पिछली लोकसभा में कांग्रेस को मात्र 114 मिली थी, अब वह संख्या बढ़कर 145 हो जाती है, कांग्रेस के स्वयं की सीट। और रही कांग्रेस के गठबंधन की बात, तो उसमें कुल इसकी जो सदस्य संख्या थी वो 220 थी, अभी भी बहुमत से बहुत पीछे, अभी भी बहुमत से बहुत पीछे। कांग्रेस के गठबंधन में इस बार राष्ट्रीय जनता दल, TRS, PMK, ADMK, MDMK, लोक जनपार्टी आदि आदि बहुत सारी पार्टियां जुड़ी थी। रही राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की बात, तो उसके सीटों की संख्या 220 के तुलना में अब मात्र 186 थी। कहाँ उसको पहले 305 सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, 13वें लोकसभा चुनाव में इस गठबंधन के सीटों की संख्या 305 थी, वो अब घट के 186 आ गई। और इसीलिए मैंने कहा कि इतने सब नारों के बावजूद, जो लुभावने नारों के बावजूद भी जनता ने इस गठबंधन को नकारा और उसे मात्र 183 तक सिमटा दिया। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, जिसे बहुत ज़्यादा सीटें मिली थी पिछले चुनाव में, उसकी संख्या घटकर 182 से अब मात्र 138 रह गई। भारतीय जनता पार्टी के सीटों की संख्या 138, उसके जो सहयोगी दल शिवसेना, बीजू जनता दल, अकाली दल आदि आदि, तो कुल संख्या इनकी हुई 186। कांग्रेस गठबंधन 220। अब तीसरा जो खेमा था, जिसे हम अन्य कह सकते हैं, जो इन दोनों गठबंधनों में शामिल नहीं थे, उसकी क्या स्थिति थी? इसमें वो जो साम्यवादी गुट था, वाम मोर्चा जिसे पहले हम कहते थे, रामो वामो आपने सुना होगा, राष्ट्रीय मोर्चा, वाम मोर्चा, तो ये वाम मोर्चे के सदस्य भी इस अन्य में शामिल हैं। इनकी स्थिति क्या थी? अन्य को मिलते हैं 136 सीटें लोकसभा में, काफ़ी बड़ी संख्या, स्वयं में एक बहुत बड़ा गुट बन जाता है। और इस अन्य के अंतर्गत, अन्य के खेमे में 89 सीटें जाती हैं वामपंथी दलों के गुट को, किनको? वामपंथी दलों को। तो 220 कांग्रेस गठबंधन, 186 भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन, 136 अन्य, और उस अन्य में 89 वामपंथी दलों को। 2004 के लोकसभा के चुनाव की बात करें, तो उसके हम मूलतः तीन पहलू देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय जनतांत्रिक की हार, अलायंस गठबंधन की हार, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन अर्थात NDA की हार, ये तो पहला पहलू हुआ। और इस NDA की हार के बारे में जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि दोनों को जो प्रतिशत प्राप्त हुआ उसमें अंतर बहुत कम था, दोनों मतलब NDA और UPA, इन दोनों के बीच का जो मतों का प्रतिशत है उसमें अंतर बहुत कम था, बहुत कम मार्जिन से राजग की हार होती है। दूसरा, UPA की सरकार, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, उसकी सरकार सत्ता में आती है, जिसका नेतृत्व कांग्रेस कर रहा था, और क्योंकि इसको भी इतने मत नहीं मिले थे कि वो अपने बल पर, अपने गठबंधन के बल पर शासन में आ जाए, तो उसे वाम मोर्चे का समर्थन मिलता है, वाम मोर्चे का समर्थन मिलना उसके लिए बहुत अहम हो जाता है। तीसरा पहलू इस लोकसभा के चुनाव था कि कांग्रेस का पुनरुत्थान हम इस समय से देखते हैं, 1991 के बाद
इस पार्टी की सीटों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा था 1991 के बाद से। ये इजाफा इस काल में हम देखते हैं, बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। यहाँ पर 13 मई 1904 के परिणामों के बाद बहुत उठापटक होती है और 22 मई 2004 यानी 10 दिन बाद कांग्रेस के मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार सत्ता में आती है और मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बनते हैं। आखिर बनते कैसे हैं जब उनके पास खुद के पास गठबंधन के पास बहुमत नहीं है, तो ये अन्य दलों के गठबंधन से सरकार बनाने में सफल होते हैं और वह भी सरकार जो 5 साल पूरी चलती है। जिस प्रकार 13वीं लोकसभा के चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी गठबंधन ने पूरे 5 वर्ष शासन किया, गठबंधन की राजनीति को सफलतापूर्वक चलाया, उसी प्रकार इस बार अब कांग्रेस के नेतृत्व में गठबंधन सामने आता है और इसे कहते हैं संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन अर्थात यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस। तो एक ओर भारतीय जनता पार्टी का नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस था जिसमें करीब 24 दल थे, दूसरी ओर एक गठबंधन कांग्रेस के नेतृत्व में था जिसे संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन कहा गया या UPA कहा गया। और इसमें ये अन्य के खेमे से बहुत से लोगों ने सरकार को अंदर से या बाहर से मदद देने सहयोग देने का उनके साथ समर्थन देने का वादा किया। इस बाहरी समर्थन के बल पर UPA संयुक्त मोर्चा संयुक्त प्रोग्रेसिव अपना बहुमत साबित कर देता है और यह सरकार मनमोहन सिंह के नेतृत्व में 5 साल चलती है और ये भी करीब 25-26 दलों का एक गठबंधन रहता है। आप सोच सकते हैं कि क्षेत्रीय राजनीति, क्षेत्रीय दलों की राजनीति कितनी अहम हो चली थी। मैंने जैसा एक बार आपको कहा, अब ये दल किंग तो नहीं थे लेकिन किंग मेकर बनने की स्थिति में आ गए थे। 2004 से 2009 14वीं लोकसभा का काल, प्रधानमंत्री के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह और UPA का काल। अब 15वीं लोकसभा की ओर थोड़ा नज़र डालें। 15वीं लोकसभा के चुनाव होते हैं 2009 में, अप्रैल 2009, मई 2009 को परिणाम आते हैं। कुल 543 सीटों पर चुनाव होता है और इस बार UPA को, जिसे पूर्व में 220 सीटें मिली थी मात्र, अब उसे 262 सीटें मिलती हैं। देखिए परिवर्तन कैसे हो रहा है, जनता का झुकाव कैसे कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन की ओर बढ़ता जा रहा है। इसके बहुत से कारण थे, बहुत से पहलू थे, उसकी राजनीति में हम यहाँ नहीं जाना चाहेंगे, लेकिन आपको ये जानना है कि UPA की सरकार लगातार अपना दूसरा चुनाव जीतने में सफल होती है और उसको भी पूरी तरह 5 वर्ष पूरा करती है। उसकी संख्या में जो इजाफा होता है, 42 सीटों का इजाफा, 220 14वीं लोकसभा में बनाम 262 15वीं लोकसभा में। दूसरी ओर NDA यानी भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मात्र 158 सीटें मिली, तीसरा मोर्चा को 68, चौथे मोर्चे को 27 और अन्य को 29। ये जो 262 सीटें मैंने बताई, इसमें कांग्रेस की सीटों की संख्या होती है 205, यानी सबसे बड़ा दल अब कांग्रेस वापस पुनः स्थापित होता है। 262 में 205 कांग्रेस की। और यहाँ आप देखेंगे 3-4 मोर्चे कैसे बनते हैं। कांग्रेस को मिली 205 सीटों के साथ
यूपीए गठबंधन बहुमत के लिए 10 और सांसदों की जरूरत महसूस करती है। 262 के बदले 272 की संख्या उसे लेना होता है और समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, ये जो पार्टियां थर्ड मोर्चे में थीं, अब वे अपना समर्थन कांग्रेस को देती हैं और इस प्रकार कांग्रेस अपना बहुमत साबित करने में सफल होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह पुनः प्रधानमंत्री बनते हैं। आप सीटों की संख्या पर फिर नज़र डालें और देखें कि किस प्रकार 543 में यूपीए को 262, एनडीए को 158, तीसरा मोर्चा 68, चौथा मोर्चा 27 और अन्य को 29 स्थान प्राप्त होते हैं। जहां कांग्रेस को 205 सीटें मिलती हैं, वहीं भाजपा अब उस स्थिति में लौट आती है, उस स्थिति में आ जाती है जिस स्थिति में किसी समय कांग्रेस थी, उसे मिलती हैं 116 सीट, मात्र 116। वाम मोर्चा, जिसे कभी 59 सीट मिली थी, वह सिमट कर अब 24 सीट पर रह जाती है और इसके साथ ही अन्य बहुत सारे दल जो क्षेत्रीय दल हैं वे भी कुछ कुछ सीटें बनाते हैं और फिर अंततः 262 सीट के साथ कांग्रेस रुक जाती है। उसे मात्र 10 अन्य सीटों के सहयोग की ज़रूरत पड़ती है जो उसे समाजवादी दल, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल आदि देने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रोग्रेसिव अलायंस, जिसका ये दूसरा काल होता है 2009-14 का, वह अपना दूसरा काल भी पूरा करने में सफल होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो कांग्रेस की ओर से प्रधानमंत्री बनते हैं, वे इस सरकार का नेतृत्व सफलतापूर्वक करते हैं और इस प्रकार अपने 10 वर्ष का कार्यकाल पूरा करते हैं। यूनाइटेड यूपीए गवर्नमेंट के 10 वर्ष पूरे होते हैं और इसके बाद 16वें लोकसभा चुनाव की घोषणा होती है। 16वीं लोकसभा चुनाव में पासा पलटता है। 16वीं लोकसभा चुनाव जो 2014 में होती हैं, जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्रित्व उम्मीदवार के रूप में सामने रखते हैं, उसके परिणाम बिल्कुल उलट रहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस गठबंधन का नेतृत्व करते हुए सरकार बनाते हैं। कांग्रेस पार्टी की हालत बहुत बुरी हो जाती है। सबसे खराब, सबसे शोचनीय स्थिति कांग्रेस की होती है। इतनी बुरी हो जाती है कि एक राष्ट्रीय विपक्षी दल लोकसभा के अंदर, यदि आप देखेंगे तो लोकसभा के अंदर सरकारी पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है। सरकारी पक्ष का नेतृत्व, जिसे बहुमत रहता है, प्रधानमंत्री करते हैं। विपक्षी दलों का नेतृत्व करने के लिए भी एक ऑपोजिशन लीडर, विपक्षी दल का नेता एक बनाया जाता है और उसके लिए शर्त यह है कि जो भी विपक्षी दल का नेता बनेगा उसकी कम से कम, उसके पार्टी की कम से कम 10% सीटें लोकसभा में होनी चाहिए। 520 की संख्या जिसको लेकर उस समय चुनाव हुआ था, उसमें कांग्रेस को 52 सीटें मिली। ये लोवेस्ट एवर सीटों की संख्या है लोकसभा में। 16वीं लोकसभा चुनाव कांग्रेस के लिए सबसे शर्मनाक चुनाव था। 1967 की जो राजनीतिक भूचाल की लहर जो थी, जिसे हम राजनीतिक भूचाल कहते हैं, उस समय भी कांग्रेस की स्थिति ऐसी नहीं हुई थी, पर यह तो अत्यधिक दयनीय स्थिति पे आ गई जब उसे मात्र 52 सीटें मिली और विरोधी दल में सबसे बड़ा दल होने के बावजूद भी 10% सीटों की पात्रता पूरा न करने के कारण इसे विरोधी दल का दर्जा भी नहीं मिला। विरोधी दल से अर्थात विरोधी दल के नेता होने का भी इसे सम्मान नहीं मिला और इस प्रकार प्रधानमंत्री पद तो गया ही गया,
विरोधी दल का नेतृत्व करने का नैतिक अधिकार या राजनीतिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार भी गया। न्यूनतम 40 सीटें इसे मिलनी थी, क्योंकि 540 सीटें होती हैं, और उसके बदले इसे मात्र 540 में 54 सीटें हासिल ना करके इसे केवल 52 सीटें मिली। तो इस प्रकार 2 सीटों से ये वंचित रह गई। यहां पर देखिए, लोकसभा के जो परिणाम आए 2014 के, इस पर यदि हम नजर डालें तो भारतीय जनता पार्टी को 282 सीटें मिलती हैं। कितनी? 282। बीजू जनता दल को 20। फिर उसके बाद अन्य पार्टियों की सूची आप देख सकते हैं, और ये पार्टियां अभी भी अपना अस्तित्व में से काफ़ी कुछ बनाए हुए हैं, पर बहुत सी पार्टियां मात्र 1 या 2 सीटों के साथ लोकसभा में अपना प्रतिनिधित्व रखती हैं। भारतीय जनता पार्टी 282, अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कझगम जो तमिलनाडु का दल है 37, बीजू जनता दल 20 और तेलुगु देशम पार्टी 16, ये इनकी संख्या है। अकाली दल, शिरोमणि अकाली दल 4, और अन्य बहुत सारे दल जिनकी संख्या यहाँ आपको पूरी दिखाई दे रही है, ये बड़ी छोटी छोटी संख्या में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस TMC, जिसकी सरकार, राज्य सरकार पश्चिमी बंगाल में है, वह भी 34 सदस्य भेजती है। दूसरी ओर कांग्रेस की जो स्थिति है, इसमें एक मैं करेक्शन करूँगा, 52 ना हो करके इसकी सीटों की संख्या 44 रहती है, मात्र 44, यानी तृणमूल कांग्रेस से कुछ ही ज़्यादा सीटें, और टोटल सीटों की संख्या जिसके लिए चुनाव हुए थे वे 543 हो जाती हैं। तो 1998 के बाद, या 1998 के बाद का हम बात करें तो किस प्रकार राजनीतिक पैंतरे एक के बाद एक सरकार बदलते हैं और कितने सारे लोकसभा के चुनाव होते हैं, ये बात आपको स्पष्ट हो गई। ये देखने के बाद कि इन लोकसभा चुनाव में राजनीतिक बदलाव कैसे आए, राजनीतिक समीकरण और ध्रुवीकरण कैसे बदले, अब हम थोड़ा एक त्वरित नज़र तत्कालीन प्रधानमंत्रियों के काल पर डाल दें।